उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना सोनिया बिहार के अंतर्गत दूसरे पुश्ते पर यमुना नदी में गणेश विसर्जन करने गए चार युवक लापता हो गए, जिसमें एक युवक को बचा लिया गया जबकि तीन युवक यमुना में लापता हो गए। डिजास्टर मैनेजमेंट और एनडीआरएफ की टीम लगातार तीनों युवकों की तलाश कर रही है। डूब रहे तीनों युवकों में से एक युवक को बचा लिया गया। यमुना का जलस्तर बढ़ने की वजह से यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि ये चारों लड़के सेल्फी और वीडियो बनाने के चक्कर में इनके साथ यह हादसा हो गया। घटना बीती शाम 6 बजे की बताई जा रही है। चारों युवक थाना करावल नगर के अंतर्गत अंकुर इंक्लेव ए ब्लॉक शुक्र बाजार वाली गली में रहते थे और गणेश मूर्ति विसर्जन करने यमुना नदी दूसरे पुश्ते पर गए थे। लापता युवकों के नाम आर्यन विवेक और विजय बताए जा रहे हैं। इस घटना के चलते इन परिवारों के लोग बेहद सदमे में हैं और पुलिस से लगातार युवकों की तलाश करने के लिए गुहार लगा रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि एक बार ये लड़के यमुना में नहा चुके थे लेकिन सेल्फी और वीडियो बनाने के चक्कर में दोबारा नहाने चले गए और उनके साथ यह हादसा हो गया। बहरहाल बचाव दल लगातार युवकों की तलाश कर रहा है। यमुना नदी में पानी का जलस्तर ज्यादा होने की वजह से बचाव दल को अभी कोई सफलता हासिल नहीं हो पाई है। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार सिंह। अच्छा, आपके कितने बच्चे? एक बच्चे। एक बच्चा आपका? मेरा भी बच्चा। क्या नाम है बच्चे का? शिवम कुमार। अच्छा, तो कितने बजे का मामला है ये? करीब 6 बजे का मामला। अच्छा, पुलिस कितनी देर बाद आई थी? एक घंटे बाद 7 बजे के आसपास। अच्छा, पुलिस प्रशासन जो आज सुबह से, जैसे कि मैं आया हूँ देख रहा हूँ कि पुलिस प्रशासन सिर्फ किनारे किनारे घूम रही है, कितना आगे तक गए हुए ये? बस एक टाइम से पहले हमने सुना था कि बच्चे वापस आ गए थे, बच्चे अंदर जाके वापस आ गए थे, उसके बाद दोबारा गए थे। तो क्या ये मामला सेल्फी स्टैंड का है? सेल्फी स्टैंड तो नहीं है, कपड़े उड़े पहने हुए थे बच्चे। अच्छा, फिसल गए। कोई ऐसा बंदा जिसने देखा था ये? कोई ऐसा बंदा? हाँ यार, बहुत से बंदे थे। वो तो सारी वीडियो आ गई जी, वो पहुँच भी गई जी टीवी। अच्छा, कोई वीडियो आई थी ना, कल ना आए तो थे, वो अभी आए थे, वो दिखाया मनमोहन। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।